आखिर चुनाव से पहले अल्पेश ठाकोर को कौन सा झटका लगा है? क्या कांग्रेस में जाना अल्पेश ठाकोर के लिए महंगा साबित हो गया? गुजरात के युवा ओबीसी एकता मंच के नेता अल्पेश ठाकोर हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे। अल्पेश का कांग्रेस में जाना जहां बीजेपी के लिए जोर का झटका माना जा रहा था, लेकिन पार्टी ज्वाइन करने के महज कुछ दिन के भीतर ही उन्हें जोर का झटका लग गया है। शराब के खिलाफ अभियान चलाकर ठाकोर समाज में अपनी पकड़ मजबूत करने वाले अल्पेश ठाकोर को उस वक्त जोर का झटका लग गया जब उनके संगठन ठाकोर सेना के करीब 250 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बताया जा रहा है कि ये सभी अल्पेश के कांग्रेस में शामिल होने से नाराज हैं। खबर के मुताबिक अरवली जिले के बायड में गुजराती नववर्ष के मौके पर बीजेपी ने स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस दौरान ठाकोर सेना के जिला मंत्री चतुर सिंह समेत करीब 250 लोगों ने संगठन को बाय बाय कह दिया। इतना ही नहीं, सेंट्रल गुजरात के बालासिनोर समेत प्रदेश के कई इलाकों में अल्पेश के पुतले जलाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि अल्पेश के खिलाफ ये नाराजगी और बढ़ सकती है और आने वाले दिनों में कुछ और सदस्य संगठन को छोड़ सकते हैं। दरअसल अल्पेश ठाकुर ने अपने संगठन के लिए प्रदेश के हर जिले और तहसील में लोगों की नियुक्ति की थी। संगठन बनाने के दौरान अल्पेश ने वादा किया था कि वो समाज के हित के लिए काम करेंगे और किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा उनके संगठन में बगावत शुरू हो गयी और संगठन के करीब 250 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि अल्पेश ठाकुर हाल ही में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह से उनके संगठन के कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है, उसे तो यही लगता है कि कांग्रेस में जाना अल्पेश को कहीं महंगा ना पड़ जाए। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।